आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू यूज मास्टर पेज एंड हाउ टू क्रिएट पेज लेआउट बुक सेटिंग। मास्टर पेज को इन पेज में कैसे यूज करते हैं और जो बुक वगैरह पब्लिश होती हैं, छपती हैं, उनको उनकी सेटिंग किस तरीके से करते हैं मास्टर पेज के थ्रू। पेज लेआउट बुक सेटिंग, तो मैं पहले दिखा देती हूँ किस तरीके की बुक की सेटिंग होती है। आज हम बात करेंगे कि किताबों की सेटिंग के बारे में। किताबों की सेटिंग में क्या क्या चीज़ें सेट करनी होती हैं, क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, किताबों का साइज क्या रखना है, किताब के साइज को का तरीका क्या है देखने का, ये सब चीज़ें देखेंगे। इस तरीके की किताब होती है ये हमारी, क्या है 6x8 इसका जो साइज है कि यहाँ पर हमें इस तरीके से अगर करना है तो कैसे करेंगे। इस तरीके से हमें ये टाइप करना है, इधर की साइड, इधर ये साइड टाइप करना है तो किस तरीके से करेंगे। ये टेबल वगैरह तो मैंने बता दी है आपको, ये सब बुक की सेटिंग है, किस तरीके से इस तरह की सेटिंग कर सकते हैं। और एक बुक इस तरीके की होती है जिस पर एक पेज पर, एक सफ़े पर दो पेज कह सकते हैं इस तरीके से। इनके बीच में कितना मार्जिन रखना है, फिर जहाँ ये पेज स्टार्ट हो रहा है इससे लेके लास्ट तक इसमें कितना मार्जिन है, कितनी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी जगह है, इस तरीके से आप कैसे पता लगा सकते हैं, ये कैसे इसका आइडिया कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। इन दोनों के बीच में कितनी जगह छोड़नी है, ये हेडिंग वगैरह हम किस तरीके से डालते हैं ऊपर की साइड, ये लाइन ऐसे पेज को आप इस पे दो सफ़े ले सकते हैं। ये 4x7 का बनाएंगे और जो हमारा दूसरा पेज है ये 6x8 है। चलिए इन पेज ओपन कर लेते हैं। इन पेज ओपन करने के बाद इस तरीके का पेज है मेरे पास। कंट्रोल एन करके मैंने ये न्यू पेज ले लिया है। तो इसमें हम मास्टर पेज का काम करेंगे। मास्टर पेज क्या होता है, जहाँ पे हमारे ये पेज शो करता है उसी के बराबर में ये एम बना हुआ है। हम एम पर क्लिक करेंगे तो हमारे मास्टर पेज ओपन हो गया। मास्टर पेज को ऑफ करना है तो इसी एम पर हम अगेन क्लिक कर देंगे, हमारा मास्टर पेज ऑफ हो जाएगा। अब हम एरो टूल पर क्लिक करके इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे तो ये नोट्स आ